देवघर के आरजेडी के प्रदेश महासचिव संजय यादव और युवा सचिव पंकज सिंह के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सभी प्रखंड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव का चयन किया गया। झारखंड प्रदेश महासचिव संजय यादव ने बताया कि पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिससे झारखंड में आने वाले समय में आरजेडी का परचम लहराएगा, साथ ही पार्टी को मजबूती मिलेगी। कमेटी गठन के बाद महिला प्रकोष्ठ में भी खुशी देखी गई। मौके पर कल्पना देवी, मुकेश यादव, कृष्णा यादव, बिहारी महतो, मनोज यादव समेत सैकड़ों की संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारा कमेटी का विस्तार हुआ है और उसी दरमियान 27 पदाधिकारी प्रदेश का बनाया गया है, उसमें अनुमंडल अध्यक्ष भी है, कहीं पे जिला अध्यक्ष कार्यकारी भी है और अभी जो प्रदेश के महासचिव बनाए गए हैं महागामा से अताउल रहमान सिद्दीकी साहब, गुड्डा से पूर्व चेयरमैन और उपाध्यक्ष कल्पना देवी जी को, यहाँ पे रतन पासवान जी को प्रदेश के महासचिव बनाया गया है, रामलखन यादव जी को प्रदेश महासचिव बनाया गया है, शंभू यादव जी को सचिव बनाया गया है। पद मिला है उसका एकदम निष्ठापूर्वक उस पर काम करेंगे और महिला एकदम बढ़ चढ़ कर राष्ट्रीय जनता दल में आ रही है और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं इस पार्टी को मजबूत करने के लिए और महिला लोग को बहुत आगे कर रहे हैं और महिला लोग आगे हो भी रही है। आज देखिए हमारी रूबी जी, पहली बार रूबी ठाकुर नाम है इनका, और राष्ट्रीय जनता दल में आई हैं। बहुत मेहनत हम लोग कर रहे हैं।